सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है अगेन से हमारे चैनल के एक और बेहतरीन सी वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है गाइस, हमारे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर आ चुका है नया अपडेट। उसके साथ साथ गाइस, हमारे पबजी मोबाइल लाइट में इतना ज़्यादा रिकॉइल बढ़ चुका है कि गाइस आपकी पुरानी सेंसिटिविटी सेटिंग काम नहीं कर रही होगी और गाइस आपका गन बहुत ज़्यादा हिल रहा होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको नए अपडेट की बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग लेके आ चुका हूँ। दो टाइप की सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊंगा गाइस, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और गाइस, हमारे चैनल पे आपको ऐसे ऐसी बेहतरीन वीडियो पबजी लाइट के रिलेटेड मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। I'm a true champion. तो गाइज, जब से गाइज अपडेट आया है गाइज, इसके अंदर एम असिस्ट बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है। इसलिए गाइज, सबसे पहले सेंसिटिविटी सेटिंग को अप्लाई करने से पहले अपने बेसिक में गाइज अपने एम असिस्ट को हमेशा हैवी पे सेट रखना, ताकि गाइज आप किसी एनिमी पे आराम से इजीली एम कर पाओ। चलो गाइज, अब मैं जल्दी से आपको बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बता देता हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको दो सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ। एक मैं पर्सनली यूज करता हूँ, उसका नाम है वेरी स्पीड सेंसिटिविटी सेटिंग, और दूसरा गाइज आप नॉर्मल प्लेयर्स की सेंसिटिविटी सेटिंग दूंगा। सो गाइज, आप दोनों सेंसिटिविटी सेटिंग यूज़ करके देख लेना, जो भी अच्छा लगे आपको वो यूज़ कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको वेरी स्पीड वाली सेंसिटिविटी सेटिंग बता देता हूँ, जिसमें गाइस आपके प्लेयर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज होगी, आप जल्दी से किसी भी एनिमी को हिट कर पाओगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरा सेंसिटिविटी जो सबसे ऊपर में होगा फ्री लुक वाला, उसको गाइस कर देना है 200 पे फुल। उसके बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना, उसके बाद नीचे में आ जाना है। यहाँ पे गाइस नीचे में एक और कैमरा का सेक्शन दिख जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे क्या करना है आपको, नो स्कोप जो दिख रहा है इसको कर देना है 200 पे फुल, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे गाइज, अगर आप हैवी खेलते हो तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, बाकी किसी भी स्कोप को नहीं छेड़ना है, नहीं तो गाइज आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग हो जाएगी खराब। सो सिंपली गाइज, जो नो स्कोप वाला है कैमरा के सेक्शन में, इसको कर देना है फुल। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है एडीएस सेंसिटिविटी में। ऐसे करके गाइज, एडीएस सेंसिटिविटी में भी गाइज आपको नो स्कोप को कर देना है 200% पे फुल। सो गाइज, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना है, जो जो मैंने अभी कर रखा है सिर्फ वही करना है, जो जो मैं बताऊंगा वही करना है। सो कैमरा सेंसिटिविटी में भी नो स्कोप को फुल करना है, उसको भी फुल कर देना है। अगर गाइज, अगर आप जायरो प्लेयर हो, अगर आप जायरो स्कोप यूज करते हो, तो गाइज आपको नो स्कोप को भी 200 कर लेना है, रेड डॉट को भी 200 कर लेना है, 2x स्कोप को भी 200 कर लेना है, यहाँ पे गाइज 3x स्कोप दिखेगा इसको भी 200 कर लेना, 4x वाले को भी 200 कर लेना। अगर आप जायरो स्कोप यूज करते हो पबजी मोबाइल लाइट में, तो आप ये सेटिंग अप्लाई करना, अगर नहीं करते हो तो इसको बिल्कुल मत छेड़ना। बाकी गाइज, जो मैंने ऊपर में सेटिंग बताया, बिल्कुल जो जो मैंने बताया उसी को चेंज करना। सो गाइज, ये तो हो गई हमारी पहली सेंसिटिविटी सेटिंग वेरी स्पीड वाली। सो गाइज, इस वाले सेंसिटिविटी सेटिंग में आपका प्लेयर बहुत ही तेजी से मूवमेंट करेगा। सो गाइज, अब मैं आपको दूसरा सेंसिटिविटी सेटिंग बता देता हूं, उसके बाद आप दोनों अप्लाई करके देख लेना कौन सा अच्छा लगता है। सो सिंपली ऊपर में दिख रहा होगा ओवरऑल, इसको गाइज हाई पे कर देना क्लिक, ठीक है। हाई पे क्लिक करने के बाद यहां पे कैमरा सेंसिटिविटी को गाइज कहां पे ले जाना है आपको, गाइज कैमरा सेंसिटिविटी को ले जाना है 155 पे। सो गाइज, जितना मैं बताऊंगा सिर्फ यही करना, ये दूसरा सेंसिटिविटी सेटिंग है जो नॉर्मल प्लेयर्स है। सो सिंपली आपको 155 पे रख देना, उसके बाद नीचे में कैमरा का सेक्शन दिख जाएगा, उसमें गाइज आपको नो स्कोप को करना है 155। सो गाइज, इसमें भी गाइज आपको नो स्कोप को कर देना है 155। उसके बाद यहां पे आपको दिख जाएगा रेड डॉट होलोग्राफिक, इसको कर देना है गाइज 65, ठीक है गाइज। इतना करने के बाद यहाँ पे आप 2x में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको जरूरी है 4x का, तो गाइज 4x होगा 17 पे, उसको कर देना 20, ठीक है गाइज। कैमरा सेंसिटिविटी में इतना करने के बाद आपको आ जाना एडीएस सेंसिटिविटी सेटिंग में। यहाँ पे गाइज नो स्कोप को भी गाइज आपको क्या करना है, 155 पे कर देना है, जैसा कि कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग में सेट किया है। यहाँ पे गाइज नो स्कोप को 155 पे सेट करने के बाद यहाँ पे रेड डॉट और होलोग्राफिक में भी आपको 65 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 4x आपका होगा 70% पे, इसको 20% कर देना है। सो गाइज, ये नॉर्मल वाला, दूसरा वाला भी, ये स्पीड सेंसिटिविटी कहते हैं इसको, स्पीड वाला सेंसिटिविटी होगा ये क्लो प्लेयर्स के लिए। अगर गाइज इसमें भी आप अगर जायरो यूज करना चाहते हो, तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, नो स्कोप को 150 पे कर देना, ऐसे करके रेड डॉट को भी 150 पे कर देना है, और यहाँ पे 2x को भी 150 पे कर सकते हो, 3x को भी 150 पे कर सकते हो, 4x को भी 150 पे कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप वो वाला सेंसिटिविटी सेटिंग में, अगर आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, आप उस सेंसिटिविटी सेटिंग में नहीं खेल पा रहे हो, तो गाइज ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग करना, भाई कसम से गाइज बहुत ही फाडू वाला ये सेंसिटिविटी सेटिंग है। आप आराम से गाइज, अगर आप नॉर्मल प्लेयर हो, अगर आप चाहते हो और भी हैवी प्लेयर बनो, तो गाइज सबसे पहले आप ये वाला सेंसिटिविटी सेटिंग खेलना। अगर गाइज इसमें अगर आप चैंपियन बन जाते हो इस वाले सेंसिटिविटी सेटिंग में, तो गाइज जो मैंने सबसे पहले वाला सेंसिटिविटी सेटिंग बताया था
वो वाला सेंसिटिविटी सेटिंग अप्लाई करना, क्योंकि गाइस जो पहला वाला सेंसिटिविटी सेटिंग है उसमें गाइस आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, उसमें एम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप दूसरा वाला अप्लाई करोगे उसमें अगर चैंपियन बन जाओगे तो आप पहला वाला भी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। अब गाइज आपको सेंसिटिविटी सेटिंग तो मिल गई, अब गाइज आप ऐसे तो प्रो नहीं बन जाओगे, आपको सिंपली गाइज टीडीएम में कुछ मैच प्रैक्टिस करना है। जब तक गाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई काम का सेंसिटिविटी सेटिंग नहीं है। सो आपको क्या करना है, टीडीएम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस वाली सेंसिटिविटी सेटिंग को अप्लाई करके। सो गाइज मैं सजेस्ट करूँगा पहले दूसरा वाला सेंसिटिविटी सेटिंग अप्लाई करना, अगर गाइज उसमें अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो तो गाइज आप पहला वाला अप्लाई करना, क्योंकि गाइज पहला वाला कुछ ज़्यादा ही हैवी स्पीड मूवमेंट वाला है, तो गाइज वो आपको बिल्कुल लेजेंड प्लेयर बना देगा। तो गाइज आप दोनों ट्राई कर लेना, और गाइज सेंसिटिविटी सेटिंग अप्लाई करने के बाद टीडीएम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से खेल पाओगे। अब मैं आपको रिकॉयल कंट्रोल करना सिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स आपको एक बात बता देता हूँ, अगर गाइज आप क्लो प्लेयर हो, अगर आप जैरोस्कोप नहीं यूज़ करते हो तो गाइज आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा रिकॉयल कंट्रोल करना। लेकिन गाइज अगर आप जैरोस्कोप यूज़ करोगे तो गाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा रिकॉयल कंट्रोल करना। सो आपको सिंपली अपने डिवाइस को हल्का सा नीचे जैसे करोगे आपका रिकॉयल भी थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। सो गाइज आप ऐसे करके भी कर सकते हो, नहीं तो गाइज अगर आप क्लो प्लेयर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, राइट साइड में जो स्क्रीन होता है थोड़ा सा गाइज स्क्रीन को नीचे करना, उसके साथ साथ फायर को दबा के रखना है, तो गाइज आप ऐसे करके रिकॉयल कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन गाइज इसके साथ साथ अगर आप जायरोस्कोप यूज करोगे तो गाइज आप तो गाइज तबाही वाला स्प्रे करोगे, चाहे बंदा कितना भी दूर हो आप तबाही वाला स्प्रे करोगे और आपका रिकॉयल बिल्कुल ना के बराबर होगा। इसलिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए आप जायरोस्कोप का यूज करो, बहुत ही गाइज फायदेमंद है जायरोस्कोप। ज्यादातर कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स यही यूज करते हैं ताकि गाइज वो अच्छे से किसी एनिमी पे एम कर पाओ। सो गाइज आप भी यही करना, आप आज से इस वीडियो के बाद जायरोस्कोप यूज कर दो अगर नहीं करते हो। उसके बाद गाइज थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट होगा, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन गाइज थोड़ा थोड़ा जब आप टीडीएम में प्रैक्टिस करोगे या इरेंगल में या वरेंगा मैप में अगर मैचेस खेलोगे तो गाइज आपका हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एनिमी पर दूर से भी स्प्रे करोगे तो आपका रिकॉयल ना के बराबर होगा, क्योंकि गाइज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखे होगे। इसलिए गाइज जल्दी से जाओ इस सेंसिटिविटी सेटिंग को अप्लाई करो, कतई जहर सेंसिटिविटी सेटिंग है, मैं भी पर्सनली इसी सेटिंग को अप्लाई करता हूँ। अगर गाइज आप मेरे साथ खेलोगे तो आपको मेरा परफॉर्मेंस पता होगा। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर गाइज कुछ भी दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइज मेरे से बात करना चाहते हो तो मैंने पर्सनल वाला इंस्टा आईडी दे रखा है, तो गाइज वहाँ जाके फॉलो कर लेना, मेरे से बात कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।